गांव अलीपुर, कस्बा और तहसील जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। हमेशा तरक्की पसंद और मेहनती था हमारा गांव। अच्छे लोग पर ख्यालात काफी पुराने। तमाम कोशिशों और खर्चों के बाद भी मैले और गंदगी की समस्या सुलझ नहीं रही थी, बढ़ती जा रही थी। बापू का सैनिटरी के सामान की आपूर्ति का अच्छा व्यापार चल रहा था, फिर भी खुले में शौच, बिना काम के बेकार के शौचालय और साफ सफाई की समस्याओं का कोई अंत नहीं था। हाल में मेरे भाई राम जी की रहनुमाई में हमने एक नया मूल मंत्र अपनाया, नया कार्यक्रम, सैनिटेशन रीयूज प्रोग्राम, कि मलमूत्र त्यागो, त्याग भावना, जिसमें सबकी समृद्धि। ये कोई कहानी नहीं, एक साझा सपना है जिसे साकार होते ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे भैया, कौन सी आफत आन पड़ी है जो दंड पेल रहे हो? अब समझी, राम जी भैया आ रहे हैं ना, इसीलिए। क्यों, इस बार उनसे पंजा लड़ाने की शर्त लगाए हो क्या? तू नहीं सुधरेगी, है ना? तेरी शादी ना किसी भेंगे से करवा दूंगा, देखना। वैसे शर्त से मुझे याद आया, मुझे तो ये डाटा फॉर्म भरने हैं यार। डाटा? हाँ, ये देखो। एक बात बता, तू तो विज्ञान में 100 में 100 लाती है ना, ये बता प्रकृति में साइकिल कितने प्रकार की होती है? कक्षा 7 का प्रश्न है ये तो, भर बोले भैया। हाँ। एक होती है फूड साइकिल, ठीक, वाटर साइकिल, ओके, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, और अगर साइकिल पूरी हो जाए तो वेस्ट नहीं होता है, राइट? राइट। तो फिर ये इंसान साइकिल क्यों नहीं बनाता है? बनाता है, कचरे की, प्लास्टिक की, कांच की। हमारे विज्ञान की किताब में लिखा है कि बेकार अवशेष का ट्रीटमेंट करके अगर दोबारा उपयोग किया जाए तो साइकिल अपने आप बनती है। तो बड़ी सयानी हो गई है। कब पहुंच रहे हैं बड़े साहब? आप भी ना, बेटा हुआ ना कि बड़ा साहब, अगले शनिवार आ रहा है। इस बार चुप बनाए रहे, बवाल ना मचाएं तो अच्छा है, नहीं तो अपने धंधा चौपट होगा। देखो, पूरे 2 साल बाद आ रहा है, आप तो? हम बाप हैं उसके, खूब समझते हैं उसे, बड़ा दिमाग पाया है, इंजीनियरिंग में टॉप किया है, और अब उसके उपयोग की विधियां बता रहे हैं। अब बताइए, हगना मूतना ही बचा है काम जतन के लिए? पूरे देश में यश कमा रहा है वो। अरे तो पगली आत्माओं की कोई कमी है क्या? पूरे देश में यश कमा रहा है, प्रैक्टिकल देखते नहीं और सपनों में जी रहे हैं। तो आप भी तो शौच का ही सामान बना और बेच रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि हम सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक आपूर्ति करते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। लोगों की आदतें बदलने में और सार्वजनिक लाभ के काम में वक्त खर्च होता है, ऐसा कोई काम फलता नहीं जो दान पर निर्भर करता है। आप भी ना। एक बार बताएं राम जी की अम्मा, राम जी की बातें अनूठी हैं, 16 आने ठीक। हमेशा की तरह राम जी ने इस बार फिर से बाजी मार ली। एक दिन पहले आ गए भैया और हमारी सारी तैयारियां और बदमाशियां धरी की धरी रह गईं। हमेशा सबसे एक कदम आगे ही रहने वाले थे राम जी भैया। भैया हमारे खूब निराले हैं, त्याग में उनका कोई तोड़ नहीं। पूरा अमला एक तरफ, भैया दूसरी तरफ, पर बात उनकी सच निकल रही है। संडास तो खूब बने पर अधूरे, बेकार बना दिए और भूल गए। औरतें, लड़कियां उनका इस्तेमाल फिर भी करती हैं,
पाखाना गंदा पानी उसी तरह बह रहा है, चारों तरफ अटा पड़ा है। बीमारी बढ़ती है सब जानते हैं, फिर भी आदत नहीं बदलती, ऐसा क्यों? अरे आइए आइए अनमोल बाबू, आइए मिड डे मील। आइए आप बैठिए। ये बच्चे बाहर क्यों करते हैं, अंदर शौचालय में क्यों नहीं? अरे शौचालय अभी अधूरे पड़े हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं तो बदबू आती है, और अगर निर्माण हो जाए तो लोग उसको शौचालय की तरह इस्तेमाल नहीं करते। अरे आइए आइए आप बैठिए। लेकिन फिर फायदा क्या हुआ? अरे ये सामुदायिक शौचालयों में तो आवारा कुत्तों का डेरा है, और लोगों के अंदर जो अपने निजी शौचालय बनाए हैं उसमें अपने घरों का सामान रखते हैं। आइए आइए बैठिए बैठिए ना। नहीं मैं चलता हूँ, अभी काम बाकी है। अरे अभी राम बाबू आ रहे हैं। हाँ तो? अरे वो बताएंगे टॉयलेट साधने का नया तरीका। पता नहीं मुझ पर भी धुन सवार हो गई थी इस हफ्ते। 10 दिन में गांव का कस्बे का कोना कोना छान मारा, बार बार एक ही बात निकल कर आ रही थी, संडास अधूरे बने हैं, पूरी सब्सिडी ना मिल पाना, सब्सिडी के पैसों को किसी और काम में लगा देना और उसका दुरुपयोग, यही इस सब के लिए मूल रूप से जिम्मेदार हैं। मैंने ये भी पाया कि शौचालयों के मालिक बनने और उनका इस्तेमाल करने में लोगों को कोई फायदा नजर नहीं आता। दादी राम राम। राम राम। वो घर में कोई आदमी नहीं है क्या दादी? आदमी? अरे आदमी से क्या करना है? नहीं बस कुछ मुआयना करना था दादी। मुआयना? हाँ। कैसा मुआयना? वो घर में संडास है क्या? संडास? संडास से तुझे क्या मतलब है? नहीं बस मुआयना करना था बस। मुआयना करना था? काहे के लिए मुआयना करना है? और तुझे संडास के लिए मेरे ही घर मिला है क्या? चल निकल यहाँ से। नहीं निकल। दादी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं तेरी बात? निकल मेरे घर से है? चल निकल लफंगे कहीं के, लुच्चे कमीने कहीं के, चले आते मुंह उठाए हुए, घर में कोई है क्या? क्या हुआ बाबू? दाल बीनी भी नहीं जाती ठीक से। दाल कौन लाया? आप ही लाए थे कि स्पेशल क्वालिटी की है। हाँ स्पेशल तो है ही, दांतों की सेवा कर रही है बापू के। हंसो नहीं ज्यादा, फैक्ट्री में मंदी आएगी अब। कैसे? अरे जो संडास लगने थे तो लग गए, अब आगे क्या मांग रहेगी? बापू भैया राष्ट्रीय इनाम पाए हैं। बढ़िया है बापू, एक प्रस्ताव है मेरा। देखो कारोबार में 4 पैसे पैदा होने चाहिए, बाकी सब मंजूर। बापू फैक्ट्री सब 20 फीट और सेफ्टी टैंक का काम शुरू हो जाना चाहिए। क्यों? इससे काम चलेगा, इसकी मांग बढ़ेगी। कौन करेगा? अरे वाह अपना अनमोल, ये नाम का ही अनमोल थोड़ी है, ये करेगा काम। अच्छा तो आपने अपना फिट कर लिया? भैया संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम उतना सफल नहीं हो पाया, जबकि कोशिश में कोई खास कमी नहीं थी, ना पंचायत की और ना सरकारी तबके की। अगर ऐसा ना होता तब हैरत की बात होती। मैं शर्त हार गया हूँ, लगाऊं ठक बैठक 100 बात। अनमोल कुछ हार बहुत प्रिय और जरूरी होती है, क्योंकि उनके बीच से ही जीत की राह बनती है। दिलासा दे रहे हो मुझे हैं? उठक बैठक तो करनी होगी तुमको और हमको और सबको, पर दिमाग की, विचारों और सोच की उठक बैठक। अच्छा ये बताओ पंचायत का समारोह कब है? अगले शनिवार को। ठीक है जो बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। भैया ने उस दिन समा बांध दिया, उनका अभिनंदन था। शताब्दियों से इंसान ने माना है कि प्रकृति में ऐसा कुछ भी लेश मात्र, गंदा या वेस्ट नहीं है। गंदा वही है जो अपने वाजिब या उपयोगी स्थान पर नहीं है। दुनिया की हर वस्तु और हर पदार्थ की तरह मल और मूत्र भी उपयोगी है, उनका मोल है और इस्तेमाल है, बशर्ते उनका ट्रीटमेंट हो। आप देखिए
दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली शहर के निकट मुसरी कस्बे और बगल के गांवों ने अपनी क्षमता और प्रयोगों से न केवल मल और मूत्र की समस्याएं दूर की हैं, बल्कि उनका ट्रीटमेंट कर उन्हें कमाई और उपयोग का साधन बना लिया है। आखिर संपूर्ण स्वच्छता है क्या? मल मूत्र को ठीक से इकट्ठा कर उसके विकास का ऐसा तरीका जो हवा, धरती और पानी में गंदगी ना फैलाए और उसके बाद निस्तारण। इससे भी बेहतर खेती बाड़ी और कारोबार में इसका उपयोग। टॉयलेट या शौचालय के अनेक प्रकार हैं, पर जरूरी है उनकी खूबियां और कमियां जानना और बिना फिजूल खर्ची के उसका ठीक तरह से निर्माण और रखरखाव। इसके फायदों को देखते हुए डबल लीच पिट टॉयलेट एक उम्दा तरीका है। मल और मूत्र एक पाइप के सहारे जंक्शन बॉक्स में पहुंचता है और वहां से दो में से एक लीच पिट में पहुंचता है। पिट करीब 1.25 मीटर गहरा और 1 मीटर के व्यास वाला होता है। इससे बड़े पिट की जरूरत नहीं है। इसे भरने में 5 वर्ष का समय लगता है। पिट की ईंटों में जगह छोड़कर हनीकॉम्ब बनाया जाता है, जिससे गैस और बदबू तथा नमी धीरे धीरे जमीन में समा जाती है। एक पिट में भरने के बाद उसे बंद कर दूसरे पिट का इस्तेमाल होता है। पिट में इकट्ठा मल 2 साल में उम्दा खाद बन जाता है। ये तरीका महंगा नहीं है और इसका रखरखाव आसान है। कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, जैसे पिट पीने के पानी के स्रोत से 10 से 15 मीटर दूर हो और पिट जमीन की सतह से कुछ इंच ऊपर रहे, ताकि वर्षा का पानी इसमें ना जा सके। सच पूछिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके साथ कितनी और बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं, वो मूसरी और उन गांवों ने दिखाया है। अगली पायदान में वो सिस्टम है जिसमें मल और मूत्र को टॉयलेट के नीचे चैम्बर बनाकर अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। इसे UDFT यानी यूरिन डायवर्जन फ्लश टॉयलेट कहते हैं। मूत्र में पानी मिलाकर इसका उपयोग सिंचाई में लाया जाता है। इसमें खाद के अनोखे गुण हैं और ये मल से अलग खाद है, यानी बचत भी और कमाई भी। आगे देखें तो ऐसे टॉयलेट सिस्टम को बायोगैस से जोड़ सकते हैं। ये सारे प्रयोग इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता, हर चीज का कोई ना कोई सार्थक उपयोग है। नो कास्ट इन दिस गैस, वी मेक मनी फ्रॉम दी वेस्ट विदाउट LPG सिलेंडर। आई एम वेरी हैप्पी। इस क्षेत्र के जनमानस में अब टॉयलेट सिर्फ शौचालय ना होकर एक तरह का आरोग्य मंदिर का रूप ले रहा है। श्रद्धा ही जागती है मुसरी के 17 शौचालय के टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस को देखते हुए। संपूर्ण स्वच्छता का मंसूबा कोई मन का ख्वाब या कल्पना नहीं, कोई बड़ा या महान मशीनों का कर्तव्य नहीं, वो तो हर घर के आंगन की हकीकत है, हर जन की आज की उम्मीद है। तो आपको लगता है कि लीच पिट और सेप्टिक टैंक सबसे जरूरी चीजें हैं? इसे बनाने में पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। मगर उसकी गारंटी कौन लेगा और कौन करेगा? निर्माण का काम अनमोल के जिम्मे और तकनीकी गारंटी हमारी संस्था की। सौदा महंगा तो नहीं होगा? इससे होने वाले फायदे को हम देखेंगे तो आप बताएंगे कि वास्तव में ये काफी सस्ता पड़ता है। तो पंचों, आपकी क्या राय है? क्यों जावेद मियां, कूद पड़े? अरे कहां प्रधान जी, पखाने में। नहीं, नहीं, मेरा मतलब है कि इसकी बात हमें जस्सी है। ये बात तो सही है। लेकिन दो चीजें जरूरी हैं। वो क्या? हर घर में लीच पिट वाला संडास होना चाहिए, खुद के पैसों का बना हुआ, और कोई बाहर ना जाए, खास तौर से आदमी लोग। एक बात और है भाई,
सब्सिडी की बात तो नहीं होगी? जावेद भाई, पाखाना अपना, खाद अपनी, सफाई अपनी, फिर ये दान दक्षिणा की बात क्यों? लेकिन भैया, इस नई योजना का नाम क्या होगा? अब आप लोग सोचिए और बताइए क्या नाम होगा प्रधान जी। सबसे जरूरी नाम पर मशक्कत हुई, सबकी सहमति बनी कि नाम रखा जाए सैनिटेशन रीयूज प्रोग्राम। कौन करेगा? प्रस्ताव पूरी गांव सभा में जोर शोर से पास हुआ। गारंटी हमारी संस्था की। ला 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 ला। नई रोशनी लेकर आई, नई रोशनी लेकर आई, जीवन में निखार, आशा की किरण है चमकी, आशा की किरण है चमकी, उजले उजले द्वार, लाई जीवन में बहार, आई घर घर खुशियां पार, लाई जीवन में बहार, आई घर घर खुशियां पार। नई चेतना लेकर आई एक नई आशा, बदल के रख देंगे हम अब पिछली परिभाषा, जागो नौजवानों तुमको धरती रही पुकार, लाई जीवन में।